कि जंगल में जब कभी आग लग जाती है तो अचानक से जंगल में लगी आग एक जगह से दूसरी जगह कैसे शिफ्ट हो जाती है। आखिर ऐसा कौन है जो एक जगह पर लगे हुए आग को कई किलोमीटर दूर जंगल में दूसरी जगह पहुंचा देता है। दोस्तों शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ऐसा करने के पीछे कोई इंसान नहीं बल्कि खुद जंगली जीव ही होते हैं। आग को कैसे कंट्रोल करना है और आग का सही उपयोग क्या है, ये इंसानों से बेहतर कोई भी नहीं जानता। यही वजह है कि आज भी गांव के लोग जंगली जानवरों को भगाने के लिए आग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आग का यही इस्तेमाल चिड़ियों ने भी करना सीख लिया है। ऑस्ट्रेलिया या फिर दुनिया भर के जंगलों में एक या दो नहीं बल्कि पक्षियों की कई ऐसी प्रजातियां हैं जिसने आग का उपयोग बड़े ही बेहतरीन तरीके से करना सीख लिया है। दरअसल इन शिकारी पक्षियों को इस बात का पता लग गया है कि जब जंगल में आग लगती है तो जंगल में छुपे छोटे बड़े हर जानवर आग से बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, और जैसे ही वे आग से बचने के लिए आग के अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं वैसे आसमान में उड़ने वाले ये शिकारी पक्षी उन मासूम जीवों को अपने कब्जे में ले लेती हैं। जंगल में जैसे ही किसी एक जगह पर आग लगती है तो जंगल में जमीन पर और पेड़ों पर रहने वाले जानवर तो बचकर आग के अपोजिट डायरेक्शन में भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन शिकारी पक्षियों की कुछ प्रजातियां इतनी चालाक होती है कि वो आग लगे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को उठाकर जंगल में कई किलोमीटर दूर दूसरे इलाके में भी फेंकना शुरू कर देती है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जब आग बुझाने के लिए हजारों फायरमैन अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिए थे, उसी बीच फायरमैन ने देखा कैसे एक चिड़िया आग लगे हुए लकड़ी के टुकड़े को उठाकर जंगल में दूसरी तरफ लेकर भाग रही है। उस फायरमैन ने जब चिड़िया के इस अजीबोगरीब बिहेव के बारे में बताया तो दुनिया भर के वैज्ञानिक इस पर शोध करना शुरू कर दिए, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने बताया कि जिस आग का इस्तेमाल हम इंसानों ने आग से कई हजार साल पहले अपने फायदे के लिए करना सीख लिया था, आज के वक्त कुछ चिड़ियों ने भी उसी आग का इस्तेमाल अपनी भूख को मिटाने के लिए करना सीख लिया है। ये चिड़िया आग लगे लकड़ी के टुकड़े को जंगल में फेंक देती है और इंतजार करती है आग के धधकने का। जैसे ही जंगल में आग जोर पकड़ना शुरू होती है जंगल में छोटे छोटे से लेकर बड़े जानवर अपनी जान बचाने के लिए बाहर आ जाते हैं। ये वक्त उन चिड़ियों के लिए किसी दावत से कम नहीं होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चिड़ियों के द्वारा किया गया ये काम खुद ही उन्हीं के घर को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। दुख की बात तो यह है कि पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में लगे जंगली आग ने 1 अरब से ज्यादा जंगली जानवरों को जलाकर खाक कर दिया था, और ऑस्ट्रेलिया के उस जंगली आग को ना रुक पाने के पीछे कहीं ना कहीं इन चिड़ियों का भी बड़ा हाथ था। जंगल में आग का एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने का एक प्राकृतिक कारण भी है। दरअसल जब जंगल में बड़ी मात्रा में आग लगती है तो बहुत ही भयंकर मात्रा में धुआं भी निकलता है। आग से बनने वाला धुआं बादलों में इकट्ठा होता है जिससे बिजली गिरने की स्थितियां बनती हैं। फिर बादलों की वजह से दूसरी जगह पर जोरदार बिजली गिरनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जंगल के दूसरे इलाकों में भी आग पकड़ लेती है। बीते कुछ दशकों से दुनिया भर के हर इलाके में जंगल में आग लगने की घटनाएं हर वक्त सामने आती रहती हैं। 2019 में अमेजन के जंगल में लगे आग ने न्यू साउथ वेल्स में करीब 9 लाख हेक्टेयर का जंगल जलाकर राख कर दिया था। 2018 में कैलिफोर्निया की आग में 8 लाख हेक्टेयर का नुकसान हुआ था। वहीं पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग ने 10 या 20 नहीं बल्कि 70 लाख हेक्टेयर के जंगल को जलाकर राख कर दिया, और 2500 से अधिक इंसानों के घर भी इसी आग के हत्थे चढ़ गए। विशेषज्ञों का कहना है कि इंसान ने अपनी दुनिया को तबाह करने के बाद शांति के पल बिताने के लिए अब जंगल की तरफ जाना शुरू कर दिया है। जैसे ही इन लोगों की छुट्टियां आती है ये लोग शहरों से भागकर जंगलों की तरफ निकल पड़ते हैं, जंगल में कैंप करते हैं और कई हफ्ते गुजारने के बाद वे वापस शहर की ओर आते हैं। लेकिन जंगल में उनकी कैंपिंग और मस्ती के बाद वे जंगल में कभी सिगरेट के टुकड़े और कभी अपने कैंप में लगाए गए आग को बिना बुझाए ही वहां से निकल पड़ते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि जंगल के आसपास रहने वाले इंसानी बस्ती के लोग पटाखे छुड़ाते हैं और उसी की चिंगारियां जंगल में पहुंच जाती हैं। ये चिंगारी सबसे पहले तो जंगल में मौजूद घास के छोटे छोटे टुकड़ों को जलाती है, और धीरे धीरे ये आग कब बड़ा रूप ले लेती है पता ही नहीं चलता। दोस्तों भारतीय समाज में जंगलों का सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व है। इसकी छत्रछाया में ही भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ है। आज भी जंगलों का महत्व किसी से छिपा नहीं है। सही शब्दों में कहें तो पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए जंगलों का होना बड़ा जरूरी है। इन जंगलों की वजह से ही धरती पर बारिश और शुद्ध हवा मिलती है। सबसे जरूरी बात यह है कि जंगल कई जानवर और पक्षियों का घर है, लेकिन आज दुनिया भर के जंगलों की जो हालत है उसे देखकर आपका मन विचलित हो जाएगा। आज हम इंसान इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि हम लगातार पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ जंगल नहीं बल्कि उसके साथ न जाने कितने जंगली जानवरों के घर भी तबाह हो रहे हैं। हालात यह है कि ऑक्सीजन को पैदा करने वाला जंगल धीरे धीरे गायब हो रहा है, और ऑक्सीजन को कंज्यूम करने वाला शहर लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को अभी के अभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद।